नमस्कार, आप सभी का स्वागत मंडी खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मंडी खबर में आपको हम बताएंगे अलग अलग कृषि जीन्सों का हाल, किस कृषि जीन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज खास तौर से हम बात करेंगे मक्का, मसूर, ज्वार, गेहूं, जौ, इसके अलावा कई और कृषि जीन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। मक्का की पैदावार में बढ़त का अनुमान, इस साल 2,89,00,000 टन पहुंच सकती है उपज। प्रमुख राज्यों में बढ़ा ग्वार सीड का रकबा, भाव पर पड़ सकता है बढ़ती खेती का असर। और गुजरात में मूंगफली की खेती में जोरदार बढ़ोतरी, रकबा 12,36,000 हेक्टेयर के पार। कैसा रहा गेहूं और चने का बाजार बताएंगे आपको बाद में, लेकिन इससे पहले बात करते हैं मक्का के बाजार की। जी हाँ, इस बार मक्का की रिकॉर्ड उपज का अनुमान जताया जा रहा है, जोरदार बढ़ोतरी जो है इसकी उपज में हो सकती है। आपको बता दें पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 12 लाख टन उपज अधिक अनुमानित की गई है, यानी जोरदार बढ़ोतरी होगी और इससे सीधे तौर पर आने वाले समय में जो बाजार है वो प्रभावित होता नजर आएगा। देश में साल मक्का की उपज में जोरदार बढ़ोतरी का अनुमान है और उत्पादन रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचने की उम्मीद है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में मक्का का भाव इस तरह से है। एक मार्केट के मुताबिक शुक्रवार को कर्नाटक की हवेरी मंडी में भाव गुरुवार के स्तर 1,350 रुपए प्रति क्विंटल पर रहा। देवनगिरी मंडी में शुक्रवार को भाव 1,400 रुपए रहा, जो गुरुवार को 1,330 रुपए था। और मध्य प्रदेश की खारगोन मंडी में शुक्रवार को भाव 1,270 रुपए दर्ज किया गया, जो गुरुवार को 1,275 रुपए था। मक्का के उत्पादन की बात करें तो इस साल देश में उत्पादन में 12.6 लाख टन बढ़ोतरी अनुमानित है और रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान है। फसल वर्ष 2019-20 के लिए कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में 289.8 लाख टन मक्का पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल देश में 277.2 लाख टन मक्का पैदा हुआ था। आने वाले दिनों में देश भर में खरीफ मक्का की खेती रफ्तार पकड़ेगी और उसका भी असर मक्का के भाव पर पड़ सकता है। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गेहूं के बाजार की, इसका भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में, आइए देखते हैं। गेहूं का भाव उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 1,925 रुपए, अलीगढ़ मंडी में भी 1,925 रुपए, राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में 1,933 रुपए और मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 1,950 रुपए दर्ज किया गया। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं देश की अलग अलग मंडियों में चने का भाव क्या दर्ज किया गया। चने का भाव मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 4,000 रुपए, रोघोगढ़ मंडी में 3,988 रुपए, कर्नाटक की गुलबर्गा मंडी में 4,351 रुपए और गुजरात की दाहोद मंडी में 4,100 रुपए। तो जाना आपने चने के बाजार का भी हाल, अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मूंग के बाजार की। जी हाँ, मूंग के बाजार को अगर देखा जाए सीधे तौर पर इस बार जो उपज है वो कम अनुमानित की गई है, करीब 1.2 लाख टन जो उपज है इस बार कम रह सकती है, जिससे आने वाले समय में जो बाजार है वो सीधे तौर पर प्रभावित होगा। और फिलहाल अगर इसकी आवक कम होती है तो आने वाले समय में भाव को सहारा भी मिल सकता है, लेकिन फिलहाल दलहन में अगर हम देखें तो मूंग की इस बार उपज कम रह सकती है। देश में इस साल मूंग की उपज पिछले साल से कुछ कम रहने का अनुमान है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंग के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में भाव इस तरह से है। एगमार्कनेट के मुताबिक शुक्रवार को राजस्थान की कोटा मंडी में मूंग का भाव 6,300 रुपए रहा, जो गुरुवार को 6,400 रुपए था। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में शुक्रवार को भाव 5,400 रुपए दर्ज किया गया, जो गुरुवार को 5,500 रुपए था। और गुजरात की जामनगर मंडी में शुक्रवार को भाव 6,075 रुपए दर्ज किया गया, जो गुरुवार को 5,863 रुपए था। मूंग उत्पादन की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल देश में उत्पादन 1.2 लाख टन कम अनुमानित है। फसल वर्ष 2019-20 के लिए कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश में 23.4 लाख टन मूंग पैदा होने की संभावना है, जबकि पिछले साल 24.6 लाख टन मूंग पैदा हुआ था। सरकार मूंग किसानों से रबी मूंग की खरीद को बढ़ा सकती है और इसका भी असर भाव पर पड़ सकता है। और इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर में आपको आगे हम बताएंगे हल्दी और आलू के बाजार का भी हाल, लेकिन आइए उससे पहले रुक करते हैं तिलहन के बाजार का और बात करते हैं मूंगफली के बाजार की। जो यहाँ मूंगफली के बाजार को अगर देखा जाए, एक मिली जुली स्थिति जो है वो फिलहाल बाजार में नजर आती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर इसके प्रमुख उपज राज्यों की अगर बात की जाए, गुजरात की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जोरदार बढ़ोतरी नजर आ सकती है। खासतौर से जो रकबा है वो काफ़ी बढ़ा हुआ नज़र आया है और 22 जून तक के जो आंकड़े सामने आए हैं उसके अनुसार 105% आगे जो उपज है वो हमें आगे नज़र आ रही है। और आने वाले समय में जिस तरीके से जो रकबा ज़्यादा है, आने वाले समय में उपज भी ज़्यादा होगी और सीधे तौर पर ये बाजार को प्रभावित कर सकती है। देश में सबसे ज्यादा मूंगफली पैदा करने वाले राज्य गुजरात में इस साल मूंगफली की खेती में जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिली है और इसका असर मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मूंगफली का भाव इस तरह से है। एग्मार्टनेट के मुताबिक शुक्रवार को गुजरात की दीसा मंडी में भाव 5,500 दर्ज किया गया, जो गुरुवार को 5,600 था। पालनपुर मंडी में शुक्रवार को भाव 5,302 रहा, जो गुरुवार को 5,352 था। और कर्नाटक की गदग मंडी में शुक्रवार को भाव 5,958 दर्ज किया गया, जो गुरुवार को 5,910 प्रति क्विंटल था। गुजरात में मूंगफली की खेती की बात करें तो अब तक पिछले साल के मुकाबले रकबा 105% आगे चल रहा है। गुजरात कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 22 जून तक 12,36,622 हेक्टेयर में मूंगफली की खेती दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान देश में 6,01,289 हेक्टेयर में ही फसल लग पाई थी। हालांकि देश से मूंगफली के निर्यात की मांग भी इस साल बढ़ी है और इसका भी असर मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सरसों के बाजार की, इसका भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में, आइए जानते हैं। सरसों का भाव राजस्थान की नागर मंडी में 4,260, लालसोट मंडी में 4,450, उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 4,250, वहीं मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा मंडी में 4,425 दर्ज किया गया। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आलू के बाजार की, आलू का भाव क्या रहा देश के अलग अलग मंडियों में, आइए देखते हैं। आलू का भाव उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 1,500, अलीगढ़ मंडी में 1,640, पंजाब की अबोहर मंडी में 1,600 और राजस्थान की जोधपुर मंडी में 1,400 रहा। और मंडी खबर में अब आइए बात करते हैं ग्वार सीड की। जी हाँ, ग्वार सीड की अगर बात की जाए, फिलहाल इसकी उपज में भी तेज़ी की संभावना जताई गई है, यानी जो उपज है वो ज़्यादा रह सकती है। बाजार में अगर देखा जाए पिछले दिनों एक मिलीजुली स्थिति नज़र आ रही थी, लेकिन वहीं इसके प्रमुख उत्पादक राज्यों की अगर हम बात करते हैं, यानी राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात की जाए, गुजरात की हम बात करें, तो यहाँ पर जो उपज है इस बार अधिक अनुमानित है। जिस तरीके से जो परिस्थितियाँ बनी हुई हैं उसमें लगातार जो किसान हैं वो उसकी उपज ले रहे हैं, और जिसके बाद जो आंकड़े भी तक सामने आए हैं, जो अगर रकबे की अगर खास तौर से बात की जाए, तो उसके अनुसार अनुमान जो लगाया गया है वो यही है कि इस बार ग्वार सीड की जो उपज है वो ज़्यादा रह सकती है, और ऐसे में जो उसका बाजार है वो कुछ संभलता हुआ भी नज़र आ सकता है। हालांकि दूसरी ओर जो ग्वारगम की हम बात करें तो निर्यात में कुछ कमी देखी गई थी, लेकिन आने वाले समय में जानकारों का मानना है कि शायद स्थिति में सुधार हो सकता है। ग्वार सीड के 3 प्रमुख उत्पादक राज्य यानी राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में ग्वार सीड की शुरुआती खेती पिछले साल के मुकाबले आगे चल रही है और इसका असर मंडियों में ग्वार सीड के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में ग्वार सीड का भाव इस तरह से है। एग्मार्टनेट के मुताबिक शुक्रवार को राजस्थान की बाड़मेर मंडी में भाव 3,425 पर रहा, जयपुर मंडी में भाव 3,202 दर्ज किया गया,
जो गुरुवार को 3276 रुपए था और गुजरात के हलवाड मंडी में शुक्रवार को भाव गुरुवार के स्तर 3400 रुपए प्रति क्विंटल पर रहा। देश भर में ग्वार सीड का प्रमुख उत्पादन राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में होता है और इस साल तीनों ही राज्यों में ग्वार की खेती पिछले साल के मुकाबले आगे चल रही है। तीनों राज्यों के कृषि विभाग के मुताबिक 25 जून तक राजस्थान में 2,03,000 हेक्टेयर में फसल दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान 1,59,400 हेक्टेयर में खेती हुई थी। 23 जून तक हरियाणा में 28,000 हेक्टेयर में फसल देखी गई है, जबकि पिछले साल सिर्फ 8,000 हेक्टेयर में ही खेती हो पाई थी और 22 जून तक गुजरात में 3,357 हेक्टेयर में ग्वार की खेती दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान महज 280 हेक्टेयर में खेती हुई थी। ग्वार गन की निर्यात मांग में भी कमी देखने को मिल रही है और इसका भी असर मंडियों में ग्वार सीड के भाव पर पड़ सकता है। और इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ, खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल। जारी है कृषि दर्शन का ये सफर किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। बताएंगे आपको प्याज और टमाटर का बाजार भाव भी, लेकिन उससे पहले बात करते हैं जौ के बाजार की। जौ के बाजार को अगर देखा जाए, क्योंकि बाजार सीधे तौर पर प्रभावित होता है उपज के आंकड़ों से, और अभी तक जो आंकड़े निकल कर आए हैं उसके अनुसार जौ की उपज में कमी का अनुमान जताया गया है। इस साल जौ की उपज में करीब 40,000 टन कमी का अनुमान लगाया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में जौ के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में जौ का भाव इस तरह से है। एग मार्केट के मुताबिक शुक्रवार को राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव 1,235 रुपए रहा, जो गुरुवार को 1,247 रुपए था, और लालसोट मंडी में शुक्रवार को भाव 1,235 रुपए दर्ज किया गया, जो गुरुवार को 1,240 रुपए था। जौ उत्पादन की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल उपज करीब 40,000 टन कम अनुमानित है। फसल वर्ष 2019-20 के लिए कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में इस साल 15.9 लाख टन जौ पैदा हो सकता है, जबकि पिछले साल 16.3 लाख टन का उत्पादन हुआ था। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्याज के बाजार की। प्याज का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में, आइए देखते हैं। प्याज का भाव महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में 800 रुपए, कोल्हापुर मंडी में 900 रुपए, गुजरात की सूरत मंडी में 975 रुपए और हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में 1,050 रुपए रहा। और आइए अब नजर डाल लेते हैं जल्दी से टमाटर के बाजार भाव पर भी। देश की अलग अलग मंडियों में क्या भाव रहा टमाटर का, आइए देखते हैं। टमाटर का भाव हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में 1,500 रुपए, उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 1,460 रुपए, पंजाब की फिरोजपुर सिटी मंडी में 1,350 रुपए और महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 1,600 रुपए। मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हल्दी के बाजार की। जो यहाँ हल्दी के बाजार को अगर देखा जाए, फिलहाल जो उपज है उसमें कुछ कमी के संकेत यहाँ नज़र आ रहे हैं, जिसके बाद जानकारों का मानना है कि जो बाजार है वहाँ पर इसका सीधा असर नज़र आ सकता है। देश में इस साल हल्दी की उपज में हल्की कमी का अनुमान है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में हल्दी के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में भाव इस तरह से हैं। एग मार्केट के मुताबिक शुक्रवार को तमिलनाडु की इरोड मंडी में भाव 5,878 रुपए रहा, जो गुरुवार को 5,989 रुपए था, और पेरुंदुरई मंडी में शुक्रवार को भाव 5,739 रुपए दर्ज किया गया, जो गुरुवार को 5,774 रुपए था। हल्दी के उत्पादन की बात करें तो फसल वर्ष 2019-20 में उत्पादन में हल्की कमी अनुमानित है। बागवानी फसलों के लिए कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2019-20 के दौरान देश में 9.39 लाख टन हल्दी पैदा होने का अनुमान है, जबकि 2018-19 में 9.61 लाख टन का उत्पादन हुआ था। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको मंडी खबर से अपनी फसल का उचित भाव जानने में मदद मिल रही होगी। इसके साथ ही ये सारी जानकारी आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी ले सकते हैं। मंडियों का ताज़ा हाल लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
इसके सर पर फिर से पढ़ाई का भूत सवार हो गया है।